इंदौर में एमपी कबड्डी लीग जारी है और इस आयोजन में शिरकत करने के लिए मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री दीपक जोशी जी यहाँ पर आए और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, डिजियाना ग्रुप द्वारा एक ऐतिहासिक पहल की गई है खेल को बढ़ावा देने के लिए, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए? ये देखिए, कबड्डी हमारा अपने देश का सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन धीरे धीरे ये रोमांच और ये खेल नौजवानों के बच्चों के मस्तिष्क से गायब हो, जब नौजवान ने खेलना बंद कर दिया तो बच्चे अपने आप दूर हो जाते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में डिजाइनर ने आज कहीं ना कहीं खेल के साथ व्यावसायिकता, जो आज के तारीख में हर खेल का कमर्शलाइजेशन हो रहा, उस दृष्टिकोण से इसका जो प्रदर्शन जिस भव्य पैमाने पर यहाँ किया प्रो कबड्डी के बाद, मुझे लगता है कि शायद ये दूसरा आयोजन होगा जिसको इतनी भव्य व्यापकता के साथ आज 20-25 देशों में प्रदर्शित किया जा रहा। वो देश तो हमारे खेल को देख ही रहे, लेकिन हमारे देश का नौजवान बच्चा जो इसे देख रहा है उसे लगता है कि कबड्डी हमारा खेल है, इसको खेलने से हम अपने स्वास्थ्य को तो मजबूत करेंगे, लेकिन हो सकता है कि अच्छा खिलाड़ी बनने के बाद हमें अपने जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी इस खेल के माध्यम से हो सकती। इसको जोड़ के मैं डिजाइनर को बहुत इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने हमारे इस खेल को, नहीं तो अभी तक ये देखने में आया कि ग्लैमराइज खेलों को लोग प्रदर्शित कर ले, लेकिन डिजाइनर ने हमारे देसी खेल को, जिस हमारे भारत का खेल है, और बहुत आसानी से खेला जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम दें, छोटे छोटे जगह पे खेला जा सकता है। तो ऐसे दृष्टिकोण में इस खेल को प्रदर्शित करके आज नौजवानों को जो संदेश देने का प्रयास किया वो बहुत ही, मैं तो मानता हूँ कि महत्वपूर्ण चीज़ है, आज इसकी आवश्यकता है। और मीडिया ग्रुप होने के कारण डिजाइनर ने आज इसको आम बच्चों तक, आम नौजवानों तक पहुँचाने का प्रयास किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, सिर्फ दरकार थी एक प्लेटफॉर्म की, डिजाइनर ने आज इस प्लेटफॉर्म को दिया है। खिलाड़ियों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मध्य प्रदेश की ख्याति प्रदेश और देश में बढ़ा सके? नहीं, देखिए, ओलंपिक में काफ़ी समय से मांग होती रही कि इसको ऐड किया जाए, लेकिन एशियाड में ऐड किया गया, आज मेरे ख्याल से चौथा पांचवा है जिसमें ओलंपिक हुए, जिसमें हम भारत लगातार स्वर्ण पदक जीतता जा रहा। एक तरीके से कहा जाता है कि हम विश्व चैंपियन ही हैं, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, ध्यानचंद के कारण हम हॉकी की पहचान के रूप में स्थापित हुए, लेकिन कबड्डी जो हमारा अपना खेल है आज उसको स्थापित करने का जो प्रयास यहाँ पर हो रहा है उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में कबड्डी के माध्यम से हमारे खिलाड़ियों के भविष्य बहुत सुखद है। प्रदेश सरकार इस कबड्डी को बढ़ाने के लिए किसी तरह की कोई पहल करेगी? हमने तो कोशिश की पहले भी, जो देशी खेल है जैसे आपके यादों का सितुलिया, जो हमारे देश का एक खेल है जिसको कि अलग अलग भाषा, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से खेला जाता है, कई पिट्टू कहा जाता है, लगोरी का इसका एक रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में था, उस आधार पर हमने मध्य प्रदेश में इसको गेम्स में जोड़ा और बाद में स्कूल गेम्स फेडरेशन में भी इसको ले लिया गया। तो ऐसे दृष्टिकोण में ये खेल जो हमारे अपने खेल है जिसमें संपूर्ण शारीरिक विकास होता है, ना ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता होती, ना ज़्यादा मैदान की आवश्यकता होती, उसमें ये खेलों को बढ़ावा देने की हमारी आवश्यकता है और एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति आज डिजाइनर ने इस माध्यम से की है। कहीं ना कहीं लोकप्रियता कबड्डी की हम देखते हैं, दर्शक ने तो ऐसे आम आयोजनों में जिसमें ग्लैमर का अभाव होता है या कई दूसरी चीज़ें होती, दर्शक नहीं दिखते, लेकिन आज यहाँ दर्शकों की भरपूरता भी दिखा रही है कि लोगों में आज भी कबड्डी के प्रति उत्साह है। ये थे हमारे साथ स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी जी, इन्होंने साफ कहना है कि डिजियाना ग्रुप ने कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह की पहल की है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं अशरफ मंसूरी, न्यूज़ वर्ल्ड इंदौर।